और स्वीकरण। सलाह सहित ये सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है, ये किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। याद रहे, अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। मेडिकोस लाइफलाइन ये यूट्यूब चैनल इस जानकारी के लिए दावा नहीं करता। क्लिप देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम एवरीवन फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जामुन फल के बारे में। जामुन खाने के फायदे और इसके नुकसान क्या हैं और जामुन किन लोगों को नहीं खाना है, तो ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। तो जामुन के फल में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। आयुर्वेद में बताया गया है कि जामुन हमारी बॉडी की बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है। जामुन का बीज, फल और पत्तियाँ ये सब ही जड़ी बूटियों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जामुन के फल में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, जिसमें ग्लूकोज, विटामिन ए, प्रोटीन, पॉलिक एसिड, पोटेशियम और इसके अलावा कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक और आयरन भरपूर मात्रा में होता है। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। अब हम आपको बताते हैं जामुन खाने की क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, आप खाएंगे तो इसको आपको क्या फ़ायदे मिलेंगे, और वो लोग जिनको जामुन का इस्तेमाल नहीं करना है, जामुन नहीं खाना है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो आप हमारी वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल मेडिकोज लाइफलाइन पर नए हैं तो हमारे चैनल मेडिकोज लाइफलाइन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम बात करते हैं जामुन के फ़ायदे क्या क्या हैं, मतलब इसके क्या बेनिफिट्स हैं। अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें तो ये किडनी में स्टोन अगर है या किडनी की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जामुन के बीज सुखाकर इसका पाउडर बना लें और डेली दही के साथ इसका सेवन करें। इससे पथरी तो थोड़ी, जिसको आपके किडनी में स्टोन होता है, वो थोड़ी थोड़ी गल के बाहर निकल जाएगी और किडनी की सारी प्रॉब्लम्स भी ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा जिन लोगों को दांत की प्रॉब्लम रहती है, यानी कि बॉडी में दांत का खुजली होती है, वो लोग जामुन के रस को पानी में मिक्स करके लगाएं, ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और अंदरूनी कमज़ोरी रहती है, यानी कि वीकनेस रहती है, तब आप क्या कर रहे हैं कि जामुन के रस में एक चम्मच शहद मिला के और एक चम्मच आंवले का रस मिलाकर मॉर्निंग में नाश्ता करने से पहले पिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद है जामुन स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपके फेस पर पिंपल्स हैं, जामुन के बीज को पीस कर पाउडर बना लें और इस पेस्ट में कच्चा दूध, मतलब पाउडर में कच्चा दूध मिक्स करें और इसका फेस पैक बना लें और फिर आप अपने फेस पर अप्लाई करें। आपके जो पिंपल्स की प्रॉब्लम है बिल्कुल कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगी और आपका फेस भी ग्लो करने लगेगा, आप बहुत ज़्यादा आपकी स्किन साफ़ हो जाएगी। इसके अलावा आप जामुन के फल का सेवन ज़रूर करें, बॉडी की अंदरूनी टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, आपकी बॉडी को साफ करता है। इसके अलावा अगर मुंह में छाले हैं या मसूड़ों से खून आता है, तब आप जामुन को, जो उसकी पत्तियाँ होती हैं उसके पेड़ की, तो उसको आप चबाएँ, आपका ये प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। जामुन ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करती है, इसलिए डायबिटीज़ के मरीज को जामुन का ज़रूर सेवन करना चाहिए। डायबिटीज़ के पेशेंट जामुन के बीजों का पाउडर बनाकर दही के साथ रोज़ाना सेवन करें, इससे उनकी डायबिटीज़ हमेशा कंट्रोल में रहेगी। और अगर आपको खून की कमी है या एनीमिया की प्रॉब्लम है तो जामुन को ज़रूर खाएं, क्योंकि जामुन में विटामिन सी, आयरन भरपूर मात्रा में होता है, जिससे ब्लड साफ़ होता है और बॉडी के हर एक पार्ट्स में खून सही तरीके से पहुंचता है। इसके अलावा जिन लोगों को आँखों की प्रॉब्लम रहती है, उन लोगों के लिए जामुन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि जामुन में विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है। विटामिन ए आँखों की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है। और जिन लोगों को दिल की कोई भी प्रॉब्लम है, नसों की ब्लॉकेज है या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, उनके लिए जामुन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें पोटेशियम होता है, जो हमारी हाई ब्लड प्रेशर, नसों की ब्लॉकेज है, कोलेस्ट्रॉल है, दिल की सारी प्रॉब्लम्स से छुटकारा दिलाता है। अब हम आपको बताते हैं जामुन किन लोगों को नहीं खाना है। जिन लोगों का ब्लड शुगर लेवल कम रहता है
उन लोगों को जामुन का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे और ज़्यादा शुगर लेवल कम हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी तरीके की सर्जरी हुई है या आपको आगे करवानी है तो आप जामुन का सेवन इतने दिन बिल्कुल नहीं करें। जिन लोगों को उल्टी या वॉमिटिंग की प्रॉब्लम रहती है वो लोग भी जामुन का सेवन ना करें। फ्रेंड्स, जामुन का सेवन कभी भी खाली पेट ना करें, इससे कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा दूध पीने से पहले और बाद में जामुन नहीं खाना चाहिए। जामुन ज़्यादा खाने से मतलब आपको देखेंगे कि बॉडी पेन भी होगा और फीवर भी आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी जामुन के बारे में जानकारी कि जामुन के क्या बेनिफिट्स हैं और किन लोगों को खाना चाहिए और जामुन किन लोगों को नहीं खाने चाहिए।